नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइस लगभग यहाँ पे 1.30 रुपये के आसपास है। तो कंपनी के लिए और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। तो एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, देखा जाए तो जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत ही छोटी और रिस्की टाइप की कंपनी। ऐसे जो स्टॉक्स रहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आप लोगों को पता रहेगा स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे स्टॉक में सिर्फ सीखने के लिए पैसा लगा सकते हैं। अर्निंग के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो टेलीकॉम सेक्टर से जियो है, रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके बाद एयरटेल के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखने के लिए आप लोग यहाँ पे पैसा लगा के चल सकते हैं। अगर चले तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न बन सकते हैं, अगर नहीं चले तो आपको कोई गम नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, बहुत ही छोटा स्टॉक है, यहाँ पे आपका खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए कोई भी ट्रेड करने से पहले। तो यहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा कंपनी बहुत ही छोटी है। देखा जाए तो कंपनी छोटी है लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के एसेट्स है, जैसे कि कंपनी के पास जो यहाँ पे जो टावर्स है या फिर जो लैंड रहते हैं बहुत ही मजबूत है। जैसे कि GTL इंफ्रा के पास लगभग यहाँ पे 28,000 टावर्स है और जो कंपनी है लगभग 22 सर्कल में फैले। मतलब बिजनेस तो अच्छा है, सिर्फ कंपनी का एक ही प्रॉब्लम है, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। इसके वजह से एक ज़माने में स्टॉक का प्राइस लगभग 150 रुपये के आसपास था, गिर के अभी सब यहाँ पे 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी कंपनी भी अगर कर्जा ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कतें होती है स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि जो GTL इंफ्रा के जो मेन क्लाइंट है आप लोग देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल है, BSNL है, जियो है, टाटा कम्युनिकेशन है, वोडाफोन आइडिया है। तो यहाँ पे जब भी इस कंपनियों के फायदा होगा तो सीधा जो फायदा यहाँ पे GTL इंफ्रा को हो सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा इंडिया में तो अभी तो फिलहाल जो 5G सर्विसेज का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है और यहाँ पे जियो और यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल है सबसे आगे है। तो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत ही शानदार है। देखिए इस न्यूज़ के चलते कल से ऐसा नहीं कि आपका सर्किट लगना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के देखा जाए तो आगे जाके कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है GTL इंफ्रा को। तो यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे इंडिया में 12 अक्टूबर के बाद यहाँ पे 5G सर्विसेज यहाँ पे में भी स्टार्ट हो सकते हैं, ऑफिशियली खबर आ चुके। और जो रेट रहेंगे यहाँ पे जो 5G सर्विसेज के पैक के वो भी यहाँ पे कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो गए, मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस हो गए ऐसा बोला है। मतलब जो अभी जो 4G के जो प्राइसेस चल रहे हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं ऐसा जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है। तो आप लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है आज के दिन में, मतलब थर्सडे के दिन बोला है यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पे इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाले हैं। आगे भी न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी सर्विसेज हो गए यहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी पूरे लोकेशन है वहाँ तक प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करेगी इंडियन गवर्नमेंट और जो भी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियाँ काम कर रहे वो लोग, मतलब सिटी और पूरे विलेजेस टाउन में यहाँ पे 5G सर्विसेज आ सकती है लगभग 3 से 4 साल में, ऐसे यहाँ पे आज के दिन में बोला गया है। यहाँ पे जो भी 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन लगता है, यहाँ पे पूरा हो चुका है, ये लाइन पढ़ सकते हैं आप लोग। तो आगे जाके यहाँ पे मे बी 12 अक्टूबर के पहले यहाँ पे 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। तो बहुत ही शानदार खबर है GTL इंफ्रा और जो भी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां काम करते हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, उसके बाद जियो है, इन सेक्टर के लिए। तो जैसे कि आगे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रॉब्लम एक ही है, कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सीखने के लिए, ऐसे स्टॉक में थोड़ा बहुत पैसा लगा के दे सकते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत रिटर्न बन सकते हैं। ये तो था आज का एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।